ओके सो हियर इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूलर बैकॉन। ठीक है, ये एक तरह से प्रोब यूज़ किया जाता है। हमने लास्ट वीडियो में टेकमेन प्रोब जो है वो डिस्कस किया था, जो हमारे रियल टाइम पीसीआर है उसमें ये प्रोब यूज़ किया जाता है। टेकमेन हमने डिस्कस कर लिया था, यू कैन वॉच दैट वीडियो, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके सो हियर इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ओनली द मॉलिक्यूलर बैकॉन। ये भी एक तरह से प्रोब है जो यूज़ किया जाता है रियल टाइम पीसीआर में। हमने ये भी डिस्कस किया था कि प्रोब यूज़ करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि रियल टाइम पीसीआर है क्या, ये एक एडवांस फॉर्म है पीसीआर की। और जब हम अपना प्रोडक्ट जो है, या डीएनए स्पेसिफिक जो सीक्वेंस जो है उसको एम्पलीफाई कर रहे होते हैं थ्रू द पीसीआर टेक्निक, तो जो हमारा रियल टाइम पीसीआर है उसमें हम क्या करते हैं, जो एम्पलीफिकेशन हो रही है उसको लाइव देख भी सकते हैं। तो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूसिंग कुछ प्रोब जो है यूज़ किए जाते हैं, ताकि हम जब वो डीएनए का स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है वो एम्पलीफाई हो, तो वहाँ पर फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं ये प्रोब, ताकि हम उसको इजीली वहाँ पे देख सकें। तो एक तरह का प्रोब जो है दैट इज मॉलिक्यूलर बेकॉन, ये भी यूज़ किया जाता है रियल टाइम पीसीआर में। ये फ्लोरोसेंस प्रोड्यूसिंग है, जब भी हमारा डीएनए जो हमें टारगेट डीएनए जब हम उसको एम्पलीफाई कर रहे होते हैं, तो ये मॉलिक्यूलर बेकॉन जो है वहाँ पे फ्लोरोसेंस देते हैं। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बेकॉन में, ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। एक तो इसमें लूप आता है, ठीक है, एक इसमें स्टेम आता है। दिस इज द स्टेम एंड दिस इज द स्टेम पार्ट एंड दिस इज द लूप पार्ट। ओके, एक साइड यहाँ पे फ्लोरोसेंस है, एक तरफ फ्लोरोफोर है, और एक तरफ क्या है, क्वेंचर। एफ मीन्स इट इज अ फ्लोरोफोर, फ्लोरोफोर, और एक साइड क्या आता है इसकी, क्वेंचर, क्वेंचर। और ये क्या है, ये है इसमें लूप पार्ट। ठीक है, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है प्रोब का। इट इज अ मॉलिकुलर बेकॉन प्रोब, जिसका स्ट्रक्चर कैसा है, वन साइड द स्टेम इज प्रेजेंट एंड लूप इज प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर। बट इन दिस स्टेम स्ट्रक्चर, वन साइड फ्लोरोफोर इज प्रेजेंट एंड अदर साइड क्वेंचर इज प्रेजेंट देयर, एंड इट इज द लूप विच इज़ दी कॉम्प्लीमेंट्री टू द टारगेट डीएनए। जो लूप पार्ट है हमारे मॉलिकुलर बैकॉन का, ये किसके कॉम्प्लीमेंट्री है, हमारे टारगेट डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री टू टारगेट डीएनए सीक्वेंस। जो भी हमने पीसीआर में डीएनए सीक्वेंस को एम्पलीफाई करना है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा ये लूप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने इस प्रोब को एड ऑन करेंगे पीसीआर मिक्सचर में। तो ये जो लूप वाला पार्ट है ये किससे बाइंड करेगा, डीएनए सीक्वेंस से, जिसको हम एम्पलीफाई करवा रहे हैं। कुछ इस तरह से दिखता है, मान लो ये हमारा टारगेट डीएनए है, टारगेट डीएनए, इसको हमने जो है एम्पलीफाई करना है। तो जब हम मॉलिकुलर बैकऑन जो है ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये जो लूप वाला पार्ट है, ये जो लूप पार्ट है ये इसके मान लो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा लूप पार्ट। ठीक है, जबकि ये जो फ्लोरोसेंस और क्वेंचर हैं ये इसी तरह से साइड में अटैच रहेंगे। ठीक है, दिस इज दी फ्लोरोफोर एंड दिस इज दी क्वेंचर पार्ट। तो बीच जो लूप वाला स्ट्रक्चर है वो क्या है, टारगेट के कॉम्प्लीमेंट्री है और उसके साथ बाइंड करता है। अब जैसे ही जो हमारा बैकॉन है, मॉलिकुलर बैकॉन, इसने बाइंड किया अपने टारगेट डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री, जब बाइंड किया तो फ्लोरोफोर जो है यहाँ पे फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है, और हमें पता चल जाता है कि हमारा जो टारगेट डीएनए है वो जो है एम्पलीफाई हो रहा है। ठीक है, बट जब ये इस तरह से स्ट्रक्चर में रहता है, जब ये फ्लोरोफोर और क्वेंचर जो हैं आपस में बाइंड रहेंगे, क्लोज रहेंगे, तो कोई फ्लोरोसेंस वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होती। और ये यहाँ पे मैकेनिज्म चलता है फ्रेट, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, ये फ्रेट एक मैकेनिज्म यहाँ पे चलता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेट मीन्स, फ्रेट के फुल फॉर्म है फ्लोरोसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। होता क्या है कि जब फ्लोरोफोर क्वेंचर के साथ में बाइंड है, इस तरह का जब स्ट्रक्चर है, तो ये दोनों आपस में क्लोजली हैं, तो क्या होता है, जब फ्लोरोफोर जो है इसने इसने इसकी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र कर देता है ये क्वेंचर के पास, और क्वेंचर के पास जब एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है थ्रू दिस एनर्जी ट्रांसफ़र, तो क्या होता है, हमारा ये क्वेंचर जो है उसको लूज कर देता है एज ए हीट। तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो जो है लूज हो जाती है एज ए हीट,
और यहाँ पे फिर कोई जो है वो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है, जब ये आपस में क्लोज रहते हैं। बट जब ये टारगेट डीएनए के साथ बाइंड करता है तो फ्लोरोफोर एक एंड पे आ जाता है और क्वेंचर दूसरे एंड पे, और ये आपस में जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तो यहाँ पे फ्लोरोफोर जो है अपना एनर्जी ट्रांसफर नहीं करता क्वेंचर के पास और इसको एज ए लाइट इमिट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होती है और हम देख सकते हैं कि हमारा जो जो स्पेसिफिक डीएनए है वो एम्प्लीफाई हो रहा है। तो ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म है मॉलिक्यूलर बेकॉन जो प्रूव है उसका, ठीक है। That's all about the molecular beacon. Okay, thanks for watching. For such more videos, make sure to subscribe the channel and thanks for watching.